यहाँ लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, कमल के निशान पर बटन दबा दो, राजस्थान में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी मुफ्त में अयोध्या के दर्शन करा दे। तुष्टिकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। डबल एंजल की कमल फूल की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर सीधा करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, ये चुनाव जो राजस्थान में है, ये चुनाव आप ऐसा मत समझिए कि हमारे चार प्रत्याशी को विधायक बनाने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाले देश में वीर भूमि राजस्थान और भारत का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, और आने वाला वोट ये भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। मुझे बताइए आप लोग, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखी। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, मोदी जी ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर नकल करने का काम किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी और गहलोत सरकार भी पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार है। भाई और बहनों, इतने साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता। केंद्र की सभी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे केंद्रीय स्कूल हो, सभी जगह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के है, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। तुष्टिकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, ये कुछ युवा यहाँ लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं, क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है, लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं, और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जनजातीय स्वतंत्र सेनानियों का हम संग्रहालय। गहलोत सरकार ने अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टो को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया। इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले करे हैं, आप चिंता मत करो, डबल एंजल की कमल फूल की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर सीधा करने का काम करेंगे। और बहनों, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सारी सूची पढ़ता हूं, आप मेरे साथ में सहमत हो तो बोलना। पेपर लीक, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी का पेपर,
वन विभाग की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकी हेल्पर का पेपर, 15-15 पेपर लीक कराने वाले गहलोत जी आज कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो। गहलोत जी, आपने तो खनन में इतना भ्रष्टाचार करा कि कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए महंत जी ने अपने आप को आग लगा दी, मगर आपका पेट का पानी नहीं हिला। और तुष्टिकरण इस राज्य में, तुष्टिकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है, और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं, दंगे करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, यहां क्या हुआ? टोंक में 19 में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में दंगा, 21 में झालावाड़ में हिंसा, 22 में करौली में हिंसा, 22 में जोधपुर में हिंसा। कुल मिलाकर उनका हिसाब किताब देखे तो छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। कहीं मोहनदास कुचमान की हत्या होती है, कहीं कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, कहीं चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी को मार डालते हैं, मगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एक कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जिन्होंने दंगा किया है इस पर कदम नहीं उठाते हैं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मोदी जी का गारंटी है कि एक बार डबल इंजन सरकार बना दो, दंगा करने वाले राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। गरीब कल्याण, इसके लिए गरीबों को घर देने का काम किया, माताओं को गैस का सिलेंडर, गरीब के घर में शौचालय, गरीब के घर में बिजली, गरीब के घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, और गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया है। और कोरोना जैसी महामारी में भी ये राहुल बाबा कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाइयो, मगर उनका कोई सुनता ही नहीं है। लोग लगाने लगे, और जब लोग लगाने लगे तो एक दिन डरकर राहुल बाबा भी टीका लगा दिया। अरे कांग्रेसियो, जरा शर्म करो, शर्म। कोरोना जैसे महामारी में भी आप पॉलिटिक्स करते हो, राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। माताओं, भाइयों और बहनों, समग्र राजस्थान में मेरा दौरा हुआ है, जहां जहां मैं गया हूं ऐसा ही हुजूम देखा है। पूरी राजस्थान की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, मगर मैं आज तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर और बानसूर के लोगों को कहने आया हूं कि आप सभी लोगों ने दीपावली मनाई क्या? अरे बोलो तो सही, मनाई? फटाके जलाए ना? हर बार एक दीपावली होती है, इस बार 3 दीपावली है, 3। मैं बताऊं क्यों? बताऊं? देखो, पहली दीपावली आपने मना ली, फटाके जलाए,
दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताकर बनानी है। 2 हो गई और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी। 70 साल से राम मंदिर के मसले को एक कांग्रेस पार्टी अटका रही थी। गहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था उसको भी रोकने की हिमाकत करी है और नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। मुझे बोलो, बताओ भाई खैरथल वालों, मुझे बताओ भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? जरा अंत तक बोलो, करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा या नहीं होगा? मगर मत करना, कमल के निशान पर बटन दबा दो। राजस्थान में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी मुफ्त में अयोध्या के दर्शन करा दे।